मंडी जिला के अग्रणी विद्यालय डीएबी पब्लिक स्कूल ने पटेल मैदान में अभिभावक दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर समारोह को प्रवास नाम दिया गया। समारोह में नरेश मल्होत्रा, सेवानिवृत्त निदेशक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित की पारंपरिक विधि से किया गया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड से फिफ्थ कक्षा के लगभग 700 विद्यार्थियों ने राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, हिंदी व हिमाचली गीतों व नृत्यों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में मुख्य अतिथि नरेश मल्होत्रा ने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का व अपनी संस्कृति को समृद्धशाली बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि डीएबी एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के चहुंमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास करती है। इस संस्था में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा के साथ साथ अन्य सहगामी क्रियाओं में भी आगे रहते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य केएस कुलेरिया ने मुख्य अतिथि सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं अभिभावकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि शिक्षा और संस्कृति से ही युवा पीढ़ी को ज्ञान व संस्कार मिलते हैं। हमें बुजुर्गों का सम्मान कर उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डीएबी संस्था का हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि युवा पीढ़ी ज्ञानवान होने के साथ साथ संस्कारवान बने। इस समारोह में विद्यालय की लोकल मैनेजिंग कमेटी के अतिरिक्त डॉक्टर देवेंद्र अरोरा, डॉक्टर संदीप वैद्य, एचआर मल्होत्रा, सुरजीत राणा प्रिंसिपल डीएबी मनाली एवं मोहित चुग प्रिंसिपल डीएबी सुंदरनगर भी उपस्थित रहे। डीएबी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल जवाहरनगर मंडी के छात्र व छात्राओं द्वारा दादा दादी व नाना नानी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें कि प्री नर्सरी से लेकर के पांचवीं तक के छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। इस दिवस को मनाने का पीछे हमारा ये मानना है कि जो दादा दादी व नाना नानी हैं, उनकी जो योगदान उन बच्चों के प्रति रहता है, उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करें तो उनको हम आज विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर बुला करके उन्हें हम सम्मान व सम्मानित करें। ये प्रथा हम पिछले 12 वर्षों से निरंतर चलाई जा रही है और मेरा मानना है कि इससे दादा दादी व नाना नानी अपने बच्चों के प्रति और ज्यादा इन्वॉल्व होकर के उनको जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के बारे में व स्टोरी टेलिंग के द्वारा भी उन बच्चों में मॉडर्न डे को जीने की कला सिखाएंगे।